नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर आशीष व्यास, प्लास्टिक सर्जन, और आइए बात करते हैं पीडियाट्रिक बर्न्स यानी बच्चों में जलने के बाद होने वाले उपचार के बारे में। तो सबसे पहले जलने के जस्ट बाद क्या किया जाए? जलने के बाद जले हुए भाग पे पानी डालना चाहिए। अगर बहुत अधिक मात्रा में जल चुका है बच्चा तो हमें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी डालने से वो हाइपोथर्मिया का रिस्क हो जाता है, यानी शरीर का तापमान नॉर्मल से बहुत नीचे जा सकता है। हमको ये डिसाइड करना है कि बच्चा कितना जला हुआ है। अमूमन जो मेडिकल प्रोफेशनल नहीं है उनको, या फिर जो पैरामेडिकल लोग हैं उनको ऐसा समझना चाहिए कि एक हाथ आधी छाती आधी कमर या एक आधी टांग से कम जला हुआ है तो वो 10% से कम है, और ऐसे पेशेंट्स को हम किसी भी नॉर्मल हॉस्पिटल में ले जा सकते हैं। बट इससे अधिक बर्न्स के लिए हमें स्पेशलाइज्ड बर्न डेडिकेटेड हॉस्पिटल की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जलने के बाद सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट किस चीज़ की होती है। जलने के बाद सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है अच्छे खान पान की, यानी प्रोटीन इनटेक हमें बहुत ज़्यादा रखना पड़ता है, क्योंकि जली हुई त्वचा जो है हर तरफ से प्रोटीन छोड़ रही है, तो हमें उसको रिप्लेस करना है। उस प्रोटीन की कमी के कारण शरीर में सूजन आ सकती है, आपकी इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता कम हो सकती है, वह आपको काफ़ी कमज़ोरी भी महसूस हो सकती है। लोग अक्सर ये सवाल भी पूछते हैं कि जले हुए की पट्टी करनी चाहिए या उसे खुला छोड़ देना चाहिए। तो इसका जवाब यह है कि जलने के जस्ट बाद वुंड जो है, घाव जो है, स्टराइल होता है, यानी कि उसमें इन्फेक्शन नहीं होता है। तो ऐसे केस में अगर हम उसको खुला छोड़ेंगे तो उसको उसका इन्फेक्शन होने का डर है। तो इसलिए बुक्स, मेडिकल बुक्स ये कहती हैं कि आपको उसको कवर करके ढकना चाहिए, जिससे कि वो कहीं अड़े तो आपको दर्द भी ना हो और उसमें इन्फेक्शन भी ना हो। यह इस बात पर डिपेंड करता है कि जले हुए की डेप्थ कितनी है। अगर आपका 20% जला है उसमें डीप कितना है, सुपरफिशियल कितना है। अगर आपका डीप 2-3% ही है तो उसमें बहुत ज़्यादा चिंता की ज़रूरत नहीं है। वहीं अगर 20 में अगर आपका 15-18% डीप है तो वो काफ़ी सीरियस बर्न्स में आ जाता है। नॉर्मली 10% से अधिक जले हुए बच्चों को हॉस्पिटलाइज केयर की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बच्चों का रेस्पिरेटरी, रीनल सिस्टम सब बहुत इमेच्योर होता है, तो उसको कभी भी ये बर्न उसके लिए प्राणघातक हो सकता है। वहीं पे एक बात ये भी है कि बच्चों में रिजनरेटिव कैपेसिटी अच्छी होने के कारण वो बहुत जल्दी इन घावों से उभर के बाहर आ जाता है, वह उसका निशान, घाव का निशान बनने का जो है चांस बहुत कम होता है। अंटिल अनलेस आप बहुत ही टर्शरी केयर सेंटर में हैं जहां आप अर्ली सर्जरी प्लान कर रहे हैं तो अलग बात है। अमूमन हम नॉर्मल सेटिंग्स में देखें तो आपको कभी भी जले हुए इंसान को स्टारवेशन यानी भूखा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उससे एक बहुत बड़ा खतरा ये होता है कि उसके इंटेस्टाइन यानी आंतों के बैक्टीरिया जो है उसके खून से होते हुए उसके शरीर में फैल सकते हैं, जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ सकता है और उसके लिए प्राण घातक हो सकता है।